Hello everyone. Today is our third day class. Yesterday we were discussing about some methods of asexual mode of reproduction. ये last class में हमने कुछ methods थे asexual reproduction के वो discuss हम कर रहे थे. उनमें से हमने 5 methods तो already discuss कर लिए थे, like fission, budding, fragmentation, regeneration and spore formation. Now the sixth or last method is vegetative propagation. Now, the last and sixth mode of asexual reproduction is vegetative propagation. Vegetative propagation क्या होता है? देखो, vegetative propagation एक ऐसा mode है reproduction का, जहाँ पर plants के ही कोई भी vegetative part, just like root, stem, leaves, not reproductive part, जब नए plant की formation के अंदर involved होते हैं, तो उसको हम vegetative propagation के नाम से जानते हैं। और ऐसे parts जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर सहायता करते हैं या हेल्पफुल होते हैं, उनको वेजिटेटिव प्रोपोग्यूस कहा जाता है। इसका मतलब कि जो रूट, स्टेम और लीव्स हैं, वो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूस कहलाएंगे, और ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे। ये एक प्रकार का असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन प्लांट्स में मोस्टली मिलने की वजह से इनको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से भी जानते हैं। अब अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग प्रकार की कुछ यूनिट्स होती हैं जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सहायता करती हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि अलग अलग तरह के वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स होते हैं जो नए प्लांट्स बनने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल देते हैं हम पोटैटो का। आपने देखा होगा घर में पोटैटो के ऊपर इस तरह की आइस बनी होती है। कभी कभी घर में रखे रखे भी ये आइस से नए प्लांट जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर हम पोटैटो के उस पीस को काट कर लगा दें, ग्रो कर दें, तो ये एक नया प्लांट बना सकते हैं। पोटैटो को एक तरह से हम पोटैटो का ये जो पार्ट है, उसका जो ये आइज है, वो क्या है, यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स का काम करेंगे। पोटैटो एक प्रकार का ट्यूबर है, तो पोटैटो के अंदर क्या कहते हैं हम कि आइज ऑन ट्यूबर्स, मतलब आइज ऑन ट्यूबर्स पोटैटो की वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहलाएंगे। इसी तरह से वाटर हाइसेंथ नाम का एक प्लांट है, इसको के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल है उनको ऑफसेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे जिंजर और टर्मरिक में आपने देखा होगा, उसके जिंजर और टर्मरिक को हम राइजोम के नाम से जानते हैं, तो राइजोम उसकी वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल है। आगे एक प्लांट है, उसमें बल्बिल्स बनते हैं। जैसे ऑनियन गार्लिक आप जानते हैं, अमेरिलिस लिली है, ऑनियन है, गार्लिक है ना, उनके अंदर बल्ब्स होते हैं, उन बल्ब से नया प्लांट ग्रो होता है, तो ये उनके वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स हैं। जैसे मिंट पुदीने के अंदर सकर्स होते हैं। जैसे और भी अच्छा एग्जाम्पल देखें हम ब्रायोफिलम को हम पत्थर चट्टा के नाम से भी जानते हैं। ब्रायोफिलम की जो लीव्स होती हैं, वो लीव्स जो होती हैं, इस तरह की उनमें डिप्रेशंस बने होते हैं। इन डिप्रेशंस के अंदर क्या होती है, कुछ एडवेंचरस बर्ड्स पाई जाती है। अगर हम इन बर्ड्स को, इन पॉचेस को मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर लगा दें, तो यहाँ से नए प्लांट्स निकल आते हैं। यानी कि इनकी नोचेस के अंदर, ब्रायोफिलम की जो लीफ की मार्जिन है, उनके अंदर जो नोचेस पाए जाते हैं, वहाँ पर एडवेंचरस बर्ड्स प्रेजेंट है, उनसे नया प्लांट बन सकता है। तो ब्रायोफिलम के अंदर जो लीफ बर्ड्स है, वो एक तरह की क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स है। एक बार और देख लेते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स विच आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम एक्सेट्रा।
ये जो प्रोसेस है इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन एंजियोस्पर्म्स, इट मीन्स हायर प्लांट्स ऑल्सो। कुछ ऐसे हायर प्लांट हैं हमारे बहुत सारे जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी करते हैं, अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरह के वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन में बल्बिल्स हैं, ऑनियन गार्लिक के अंदर बल्ब्स हैं, पटेटो के अंदर आइज हैं, आइज ऑन ट्यूबर्स, ब्रायोफिलम के अंदर लीफ बड्स है, वाटर हाइसिंथ है, पिस्टिया है, उनके अंदर ऑफसेट्स हैं, जिंजर के अंदर राइजोम हैं, ऑक्सेलिस के अंदर रनर्स हैं, मिल्ट के अंदर सकर्स हैं, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। तो ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट की फॉर्मेशन होना पड़ेगा, उसके अंदर कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो आज हमने ये देखे वेरियस मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिक्स मोड्स देखे हैं हमने, क्या थे, किन में मिलते हैं, किस तरह के होते हैं, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, री जनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को कंप्लीट करने के बाद अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए गए हैं। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो पहला फैक्ट है, एक एक्वेटिक प्लांट है, नाम है उसका वाटर हाइसिंथ। इस प्लांट को हम इकॉर्निया के नाम से भी जानते हैं, इसको हिंदी में जलकुंभी भी कहा जाता है, इसको लेकर बताया है। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि वाटर बॉडीज में पाया जाता है। इस प्लांट को इसकी ब्यूटीफुल फ्लावर्स और ब्यूटीफुल शेप ऑफ लीव्स की वजह से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये प्लांट जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की वजह से रिप्रोडक्शन करने के कारण बहुत तेज़ी से फैलता है, और ये इतनी तेज़ी से वाटर बॉडीज में फैलता है, ये मोस्टली फ्रेश वाटर बॉडीज में पाया जाता है, जो पोंड्स भी हो सकती हैं, लेक्स भी हो सकती हैं और रिवर्स भी हो सकती हैं, कि ये वाटर बॉडीज़ को पूरी तरह से कवर कर लेता है और पानी में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है उसको भी ड्रेन कर लेता है, जिससे कि पानी में रहने वाली जो फिशेज हैं उनके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती, और विच लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेज। इसी के कारण इसको स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज के नाम से भी जाना जाता है, स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज। या सबसे अच्छा नाम जो है वो इसको दिया गया है टेरर ऑफ बेंगाल के नाम से भी इसको जानते हैं। यानी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो हुआ इस वाटर हाइसिंथ को लेकर कि एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने के कारण बहुत तेज़ी से फैलने वाला प्लांट है जो कि पानी में प्रेजेंट ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है और एक्वेटिक लाइफ के लिए वाटर अवेलेबल नहीं होने देता। एक तरह से ये वाटर के पोल्यूशन का भी कारण है,